हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सर्विस सेक्टर ये सर्विस सेक्टर क्या होता है बेसिकली सर्विस सेक्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सर्विसेज क्या होती हैं सर्विसेज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि इंटेंजिबल है जिसको हम महसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते ठीक है तो सर्विस सेक्टर क्या है सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फॉर्म्स एंगेज इन बैंकिंग कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ़ बिजनेस एक्टिविटीज जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज करनी है उसके लिए सर्विसेज तो चाहिए तो सर्विसेज आर वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरऑल टर्म्स में बात करनी है तो तो सर्विस सेक्टर कितने टाइप्स का होता है बेसिकली सर्विस सेक्टर तीन टाइप्स का होता है एक होता है बिजनेस सर्विसेज दीज आर दो सर्विसेज विच आर यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज टू कैरी ऑन बिजनेस तो बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए जो भी सर्विसेज बिजनेसमैन यूज़ करता है उसे बिज़नेस सर्विसेज कहते हैं लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एट्सेट्रा और जो भी बिजनेस सर्विसेज हैं उसके लिए कोई ना कोई पेमेंट देनी पड़ती है ये तो आपको पता ही है ठीक है नेक्स्ट आ जाती हैं सोशल सर्विसेज ये इससे उल्टा है दीज आर दो सर्विसेज विच आर कैरेड वॉल्टरली टू अचीव सोशल गोल और द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज बेसिकली ये वो सर्विसेज है जिनका मेन मकसद क्या है वेलफेयर करना या सोसाइटी को अपलिफ्ट करना ठीक है दीज सर्विस में इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन ऑफ स्लम्स एजुकेशन एट्सेट्रा इनका मेन मकसद होता है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी वेलफेयर करना उनको फ्री में एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ देना उनको खाना पीना देना एट्सेट्रा एट्सट्रा सोशल सर्विसेज ज़्यादातर कौन करता है गवर्नमेंट एन जी ओ या फिर बिजनेस एंटरप्राइजेज भी अपनी मशहूरी करने के लिए कभी कभी सोशल सर्विस लाइक ब्लड डोनेशन कैम्प कोम्प लगा लेती हैं नेक्स्ट आता है इसमें पर्सनल सर्विसज पर्सनल सर्विसज़ कौन सी हैं पर्सनल सर्विसज आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली पर्सनल सर्विसेज को डिफरेंटली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बाय डिफरेंट कस्टमर्स दीज सर्विसेज डिपेंड अपॉन द कस्टमर्स डिमांड एंड प्रेफरेंसेस लाइक टूरिज्म रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा एक्सेट्रा तो पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो किसी भी कस्टमर को पर्सनली दी जाती है और ये जो पर्सनल सर्विसेज हैं इनकी जो क्वालिटी है मे बी डिफरेंट हो सकती है जैसे लॉयर्स लॉयर्स अपने क्लाइंट्स को अपनी पर्सनल सर्विस देते हैं एक जो लॉयर है वो एक क्लाइंट से डिफरेंटली बिहेव कर सकता है और दूसरे क्लाइंट का डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है तो पर्सनल सर्विसेज आ जाती हैं डॉक्टर्स की टीचर्स की या जो प्राइवेट ट्यूटर्स वगैरह हैं उनकी आ जाती हैं ठीक है थीके? तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे तो ये था हमारा सर्विस सेक्टर और इसके अंदर थ्री टाइप ऑफ सर्विसेज आती हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर हैव अ नाइस डे